मध्य प्रदेश की जनता से जीत का आशीर्वाद पाने के मकसद से बीजेपी राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। अगले महीने सितंबर में बीजेपी प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंचेगी। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पूजा चौहान। इस यात्रा के जरिए बीजेपी मध्य प्रदेश की हर विधानसभा सीट में जनता तक पहुंचेगी। बीजेपी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेगी। हर एक यात्रा कम से कम 40 विधानसभा सीटों की जनता तक पहुंचेगा और इन 5 यात्राओं के जरिए राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों के वोटर तक पहुंचने का टारगेट रखा गया है। इन यात्राओं के दौरान अलग अलग जगहों पर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। ये नेता केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। 5 यात्राओं का समापन राजधानी भोपाल में होगा, जहां एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इन यात्राओं का चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय होंगे। ये दिग्गज नेता अपने अपने गढ़ में यात्रा निकालकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा पार्टी के इन दिग्गज नेताओं को यात्रा का चेहरा बनाकर बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाने का संदेश जनता और कार्यकर्ताओं को देना चाहती है। साथ ही बीजेपी का मानना है कि पीएम मोदी के चेहरे और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाने से गुटबाजी थमेगी और एंटी इनकम्बेंसी पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ रविवार रात दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी इस मसले पर चर्चा हुई है। अमित शाह के साथ 4 घंटे तक चली इस बैठक में विधानसभावार सम्मेलन करने और उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के विधायकों और सांसदों की भी मध्य प्रदेश चुनाव में जिम्मेदारी देने को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पीएम मोदी 25 सितंबर को पार्टी के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर भोपाल जाएंगे और बूथ स्तर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यकर्ता महाकुंभ में 10 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है। जनता का आशीर्वाद पाने के लिए बीजेपी हर जुगत लगा रही है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।